देखिए भाजपा वाला के ना सब कुछ मुठिए में, भगवान भी उनके मुठिए में है। जैसे किसी को मारना जियाना ये भगवान के हाथ में है, वो भाजपा वाला भगवान से भी ऊपर वो कौन समझते थे? उस समय के जो रावण थे, कंस था, जब भगवान राम का अवतार हुआ तो उस समय रावण समझता था, जो हमसे बड़ा, वो अभी भी हम लोग पढ़ते हैं रामायण में, जो उनके कार्यकाल में रावण जो जिस समय था वो लक्ष्मी सरस्वती सबको झाड़ू दिलवाती थी, वो सबसे ऊपर समझते थे अपने को। उसी तरह कंस जब कृष्ण का अवतार हुआ तो कंस समझने लगा कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, लेकिन भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। इसी तरह आज भाजपा भी कर एक पूरे जीवन मरण और जो भी है हमारे हाथ में है, उसका भी उसी तरह हाल होगा जिस तरह कंस और रावण का हुआ है, उसी तरह भाजपा की का भी अंत होगा। 24 में ही ना, 24-25 जब भी अब आगे आएगा तो उसका अंत उस समय कृष्ण ने और राम ने किया था, और आगे 24 और 25 में भारत का हर जनता जो है राम और कृष्ण बनकर उसका संहार करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय के कांग्रेस कार्यालय में, जहां आज कांग्रेस अपना स्थापना दिवस 138वां स्थापना दिवस मनाया, जहां तस्वीर में देख सकते हैं कि सभी नेता कार्यकर्ता में उत्साह भी है। इसे लेकर कांग्रेस मजबूती को लेकर लगातार हमारे जिला अध्यक्ष है, उनसे जान लें कि आज स्थापना दिवस मनाएं किस तरह से। चूँकि हम लोगों का 138वां साल यह है, कांग्रेस पार्टी इसका स्थापना गोरों से लड़ने के लिए ये संगठन बनाया और गोरों को भारत से विदा करवाया। हम लोग उस दिन से इसको एक राष्ट्रीय पर्व के तरह इसको मनाते हैं, और हम लोगों का ये उद्देश्य है, सभी लोगों ने पुनः संकल्प लिया है कि कांग्रेस मजबूत था, मजबूत है और मजबूत करने की ज़रूरत है को लेकर जो है आज एक तरफ सभी नेता कार्यकर्ता और बेगूसराय के कार्यालय में अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह का स्थापना दिवस कितना जनताओं को लुभाते हैं, जनता कितना कांग्रेस के जाते हैं हमारे साथ जी। क्या स्थापना दिवस मनाया सर? देखिए कांग्रेस का, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और आज हम लोग स्थापना दिवस के रूप में मनाए हैं। पूरे कांग्रेस जनों में उत्साह है, हमारे संघ संगठन पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। हाँ, भारत जोड़ो कितना फायदा हो रहा है, बहुत बहुत पूरे हिंदुस्तान के पटल पे भारत जोड़ो यात्रा जो है हमारे युवा सम्राट राहुल जी ने, चौथी लहर भी आ रही है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कांग्रेस जोड़ो जोड़ो यात्रा जो है इस चौथी लहर को उठा के फेंक देगी निश्चित रूप से, और ये चौथी लहर विपक्षियों के द्वारा ये फैलाया जा रहा है, इसलिए फैलाया जा रहा है। राजीव जी की यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दिल्ली के करीब होने पर है, और जब भी संसद में चीन का मुद्दा आता है तो गांधी जी को कोरोना याद आता है, ये हकीकत है, सत्य है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुबोध कुमार झा, अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी बेगूसराय। मीडिया प्रभारी भी है और पार्टी के भी बड़े अधिकारी भी है, आज स्थापना दिवस मनाया किस तरह? आज हम लोग कांग्रेस पार्टी जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 100 स्थापना दिवस है, यानी कोई जिन्हें हम लोगों का भी जो जन्मदिन होता है 20वां जन्मदिन 35वां, उसी तरह कांग्रेस पार्टी का आज स्थापना आज ही के दिन किस तरह मनाए? देखिए हम लोग आज सबसे पहले तो 138वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस है और कांग्रेस सेवा दल का 100वां स्थापना दिवस है। दोनों खुशी है, और तीसरी खुशी जो आज पूरे हिंदुस्तान को एक उम्मीद जगी है राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से। अच्छा। जो भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत किए हैं उन्होंने, और वो फिर बिहार में उसी तरह से आम आवाम का आवाज़ हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा का ही रूपरेखा बिहार में दिया जाए, उसको लेकर हम लोग 5 जनवरी से आगे, ये था 2800 लेकिन 28 ये चुनाव के चलते बढ़ा, 5 जनवरी से बांका के मंदार हिल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब सहित राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और तमाम जिला के
जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष, सभी मंदार हिल से शुरू करेंगे और पूरे बिहार का यात्रा करते हुए बोधगया में उसको समाप्त करेंगे। देश में बेगूसराय देश में चौथी लहर आ रही है, क्या बिहार में भी लाना चाह रहे हैं क्या आप सब? चौथी लहर क्या क्या चीज का? कोरोना का देखिए, वो तो एक आपदा है, उसको कोई नहीं लाता है और नहीं कहीं उसको भेज सकता है। भाजपा वाला तो नहीं, भाजपा वाला तो सब कुछ देखिए, भाजपा वाला न सब कुछ मुठ्ठिए में, भगवान भी उनके मुठ्ठिए में है। जैसे किसी को मारना जियाना ये भगवान के हाथ में है, वो भाजपा वाला भगवान से भी ऊपर वो कौन समझते थे? उस समय के जो रावण थे, कंस था, जब भगवान राम का अवतार हुआ तो उस समय रावण समझता था जो हमसे बड़ा, वो अभी भी हम लोग पढ़ते हैं रामायण में, जो उनके कार्यकाल में रावण जो जिस समय था वो लक्ष्मी सरस्वती सबको झाड़ू दिलवाती थी, वो सबसे ऊपर समझते थे अपने को। उसी तरह कंस जब कृष्ण का अवतार हुआ तो कंस समझने लगा कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, लेकिन भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। इसी तरह आज भाजपा भी कर रही है, पूरे जीवन मरण और जो भी है हमारे हाथ में है, उसका भी उसी तरह हाल होगा जिस तरह कंस और रावण का हुआ है, उसी तरह भाजपा की का भी अंत होगा। 24 में ही ना, 24-25 जब भी अब आगे आएगा तो उसका अंत उस समय कृष्ण ने और राम ने किया था, और आगे 24 और 25 में भारत का हर जनता जो है राम और कृष्ण बनकर उसका संहार करेगी। और एक बात और बता देता हूँ, जो ये भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत होगी मंदार हिल से 14 जनवरी को बेगूसराय इन राहुल विपक्ष को क्या आप लोग समझिए ना, आप लोग जनता भी राहुल गांधी जी को पर्सनालिटी को खराब करने के लिए भाजपा ने बहुत तरह के उनके बहुत तरह के आरोप लगाए, लेकिन क्या हुआ आज जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भी कोरोना का भी शुरू में ही कह दिया था कि बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है, क्या हुआ उस समय सरकार ने ध्यान नहीं रखा, और जिस तरह से पिछली बार जो कोरोना का दो फेज में किस तरह से हमारे कितने लोगों की जाने गए, सरकार को चाहिए इन सब आरोप लगाने के लिए देखिए व्यवस्था देखें कि अगर कोई भी इस तरह का अगर फेज आए कोरोना के अस्पताल में समुचित व्यवस्था हो, इन सब पर ध्यान दें। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, वो सब वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। राहुल जी देश जोड़ने के लिए निकले हैं क्योंकि हमें देश से प्यार है, कांग्रेस पार्टी को देश से प्यार है क्योंकि हमने देश जोड़ने में, देश जो आज़ाद हुआ उसमें कांग्रेस के बहुत लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमें देश से लगाव है, इसलिए देश का एक कहीं पे एक भाग भी अलग होता है तो हमें दर्द होता है, और इसी प्रेरणा को लेकर के राहुल जी देश को जोड़ने निकले हैं।